खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है। पीलीभीत के लाल ने किया देश में पीलीभीत का नाम रोशन। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के बेटे ने पूरे देश में पीलीभीत का लहराया परचम। नरेश कातिब के पुत्र शैलेश शर्मा ने पीलीभीत का नाम रोशन किया। टाटा मोटर्स के रीजनल हेड बनाए गए नरेश कातिब के पुत्र शैलेश शर्मा। विद्यार्थी जीवन में कई बार स्पेशल प्रशस्ति विद्या मंदिर का प्रदेश में लहराया था परचम। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रीजनल हेड बनाए गए हैं शैलेश शर्मा। 40 लाख वार्षिक पैकेज पर रीजनल हेड बनाए गए शैलेश शर्मा। इस वक्त की अहम जानकारी के साथ यूपी अपडेट खबर पहुंचाने का काम कर रहा है। वर्ष 2000 में शैलेश शर्मा ने की थी बीसलपुर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास। नरेश कातिब के पुत्र शैलेश शर्मा ने पीलीभीत का किया नाम रोशन। नरेश कातिब से तो आप भली भांति परिचित होंगे। बीसलपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार हैं। वहीं उनका नाम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में सुर्खियों में चल रहा है। कई बड़े दिग्गज नेताओं से संपर्क होने की वजह से उनका दावा है कि उनका टिकट भी कन्फर्म हो जाएगा। ब्राह्मणों के हमदर्द नरेश कातिब लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उनके पुत्र शैलेश शर्मा की। छात्र जीवन में हमेशा पढ़ाई में नंबर वन रहने वाले शैलेश शर्मा ने एक बार फिर पीलीभीत का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। शैलेश शर्मा का टाटा मोटर्स में चयन हुआ, जिसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के रीजनल हेड बनाए गए। शैलेश शर्मा के मुताबिक 40 लाख वार्षिक पैकेज का उन्हें रीजनल हेड पर प्रमोट किया गया। बता दें पीलीभीत के इजलाल का बड़े स्तर पर प्रमोशन होने पर पिता नरेश कातिब ने क्षेत्र में मिष्ठान वितरित किया। बच्चों को हमेशा बेहतर संस्कार देने वाले नरेश कातिब का बेहद सम्मान है क्षेत्र में। वही बेटे को रीजनल हेड बनाए जाने पर अब क्षेत्र की जनता में भी खुशी की लहर है। आप देख रहे हैं यूपी अपडेट। खबरों में रहना है नंबर 1, तो देखते रहिए यूपी अपडेट 24x7।